नमस्कार दोस्तों, मेरा भी आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आरके रीटेक वर्ल्ड। तो आगे हम एक और नए वीडियो के साथ, तो आज हम देखने वाले मोटोरोला H20 फ्यूजन, इसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी में इसके रेडी फॉर पीसी फीचर के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसका रेडी फॉर पीसी फीचर ओपन कर लिया है। ये कैसे ओपन करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको जस्ट इसके नोटिफिकेशन पैनल से ही यहाँ कंप्यूटर और मोबाइल का सिंबल दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर देना है तो ये डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको लिखा हुआ देखने मिल जाएगा, आपको अपने पीसी में इसका वेबसाइट डालना है जो कि है www.motorola.com/ready-for। तो ये टाइप करने के बाद आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। आपको जस्ट सिंपली वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पे आपको इसका डाउनलोड ऑप्शन देखने मिल जाएगा, डाउनलोड रेडी फॉर पीसी फॉर विंडोज 10। तो इसको आपको क्लिक कर लेना है, इसमें डाउनलोड कर लेना है आपको। फिर जो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा उसको जस्ट रन कर लीजिएगा तो वो अपने आप चालू हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, रेडी फॉर पीसी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ रेडी फॉर पीसी को। जी, तो यहाँ पे इसका रेडी फॉर पीसी ओपन हो गया और मोबाइल में मैंने आपको बताया। तो ये स्कैनर अगर आपको देखने मिल गया तो आपको जस्ट QR कोड को स्कैन करना है और ये वायरलेस कनेक्शन कर रहा हूँ। आपको दो तरीके के ऑप्शन देखने मिलते हैं, वायर्ड और वायरलेस। तो ये वायरलेस कनेक्शन हो रहा है। तो ये कनेक्ट होते ही आपको एक नोटिफिकेशन भी दे देगा जो आपने सुना अभी। जी, तो ये मैंने अभी मिरर मोड में लगा के रखा है। तो मिरर मोड में आप देख सकते हो जो मेरा स्क्रीन में चल रहा है वही आपको कंप्यूटर में देखने मिलेगा। मैंने फ़ोन लेने के पहले बहुत सारे रिव्यू देखे थे, मिरर मोड जो वायरलेस कनेक्शन था उसमें भी अच्छा चल रहा था, बट एज सच मुझे तो लैग देखने मिल रहा है। आप देख सकते हो इसमें जो डिले है, अब देखो मैं जी कब का मैंने नीचे किया और उधर एक दो सेकंड का तो ऑलमोस्ट डिले है। तो ये मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मोटोरोला की तरफ से। ये उसका खुद का फीचर है, उसमें उसने इतना कस्टमाइज नहीं किया है, इतना लेटेंसी देखने मिलेगा तो क्या ही फायदा आपका इतना इन्वेस्टमेंट का। तो बस इसका वायर्ड कनेक्शन जो है वो प्रॉपर चलता है, बट मैं उसके पहले आपको बता देता हूँ जो डेस्कटॉप में इसका मेन फीचर है मिरर के अलावा। तो आप रेडी फॉर पीसी में जाओगे तो इसमें आपको स्विच टू डेस्कटॉप मोड देखने मिलेगा। आप जब डेस्कटॉप मोड में चले जाओगे तो ये आपका जो मोबाइल है इसको आपको यूज़ करना ही नहीं अभी, जो आपका स्क्रीन में डिस्प्ले है इसके थ्रू ही आप डायरेक्टली इसके सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसका एप्लीकेशन पैनल बता देता हूँ, तो इसमें जो भी एप्लीकेशन है आप डायरेक्टली इसमें से ओपन कर सकते हो। जो इंस्टा फेसबुक जो भी आपको टाइपिंग वगैरह करना है सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। और अगर आपको मिरर करना है सिर्फ तो आप नॉर्मली स्विच टू मिरर अगेन कर दोगे तो ये मिरर मोड में चला जाएगा। तो यही सेम कनेक्शन आपको इसमें वायर्ड कनेक्शन भी मिलता है जिसके थ्रू आपको लेटेंसी बहुत कम देखने मिलेगा कोई भी ऐप ओपनिंग में भी डेस्कटॉप मोड में। तो बट मैंने वो ट्राई करने की कोशिश की, बट फिर मुझे पता चला कि इन्होंने जो केबल दिया है वो टाइप सी टू टाइप सी है, तो ये तो कनेक्ट होगा नहीं आपके लैपटॉप के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको एक और टाइप सी टू USB केबल खरीदना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो इससे मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। जी, तो ये डेटा केबल खरीदना होगा, चार्जिंग केबल नहीं चलेगा ये इस मोड के लिए। जी, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ दोनों को। ओके, तो USB को आपको जस्ट प्लग इन करना है। ये कनेक्ट हो रहा है, इसमें मैंने स्कैन कर लिया QR कोड को, तो ये कनेक्ट हो गया वायर के थ्रू। जी, आप देख सकते हो अभी इसमें डिले जीरो टाइम का हो गया है, आपको इंस्टेंटली आप स्क्रॉल अप कर रहे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, तुरंत हो रहा है। तो ये वायर्ड कनेक्शन सक्सेसफुल है, इसके थ्रू आप वायर कनेक्शन करना चाहोगे तो ये बेस्ट रहेगा। जी, तो सेम आपको डेस्कटॉप मोड में भी इसमें स्पीड में ही चलता है। जी, तो मैंने डेस्कटॉप मोड में स्विच कर लिया, मैंने कोई भी गेम इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ पबजी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको जो, तो मैं पबजी एक बार ऑन करके बता देता हूँ। तो इसमें जस्ट मैं अपने ऐप में जा रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैंने पीसी से पबजी ओपन किया है, यहाँ पे है, इसको फुल वाइट स्क्रीन कर लेते हैं। तो इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है स्क्रीन में। जी, तो ये ड्रैग करने से बढ़ जाएगा। जी, तो मैं इन शॉर्ट इसके थ्रू डायरेक्टली नेविगेट कर सकता हूँ अपने मोबाइल के अंदर के एप्लीकेशन को। तो ये मैंने इसको क्लोज किया। जी हाँ, तो आई होप आपको समझ गया होगा डेस्कटॉप मोड इसमें कैसे यूज़ करते हैं, क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है उसके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको मैंने जो इंटेल के पीसी में, तो इसको मैंने जब इंटेल के कंप्यूटर में किया है तब भी ये सपोर्ट किया है। मैं अपने AMD के पीसी में कर रहा था तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, मीन्स ये कनेक्ट नहीं हो रहा है उसमें रेडी फॉर पीसी। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो प्रोसेसर की वजह से ही हो रहा है या फिर कुछ और इश्यूज है, सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा, बट मेरे केस में तो नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तहलका मचा दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इस तरह के एक और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।